नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। एंड मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस कार्ड रखे हैं। कुछ लव टैरो से आपके लिए लव लाइफ भी देखेंगे। स्पेशल लव टैरो कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एंड्यू स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। एंड उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि जो रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करें एंड जो मैं करती हूँ हीलिंग्स हैं, आप इसका हिस्सा बन सकें। ठीक है? एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोज विद योर लव्ड वंस। इससे आपका भी कर्म रिलीज होता है और मेरा भी। ठीक है? और उन लोगों को गाइडेंस मिलती है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए। सो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम जो ये रीडिंग्स हैं हम कैसे देखें, लाइक जॉडियक से देखें या फिर कैसे देखें। सी, आप जिस भी, देर आर थ्री साइंस विच इज़ असेंडेंट, मून साइन एंड योर सन साइन। आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं अपने आप को, आप उससे रीडिंग देखें। जो ये रीडिंग्स हैं, मैं अगर आपको कहूँ तो आप अपने असेंडेंट। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ठीक है, हम पहले टैरो से पूछेंगे, देन ओके। टॉरस, जस्ट प्लीज गाइड करें टॉरस के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। वाओ, ब्यूटीफुल, आप ही का कार्ड आ गया। ओके, ओके। सो माय डियर टॉरस, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपके पास प्यार का कप लेके आ रहा है, प्यार लेके आ रहा है, लेकिन ना आप, और कहीं ना आपके लिए इस वीक ना आप ना जस्टिस में घुसे हुए हैं। जैसे कि पास्ट में आपके साथ जो हुआ वो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, अब जस्टिस देना है, जस्टिस करना है। तो कोई कंट्रोल फ्रीक होके रखे हैं आपने ना, कंट्रोल फ्रीक हो रखे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे पास्ट की आपके लिए। ठीक है? एंड कहीं ना मुझे यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया। कोई आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहा है या आप किसी को सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ना जैसे कुछ नया, जैसे ना देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट टू से टू समवन बट यू आर नॉट सेइंग इट। ठीक है? और जैसे किसी, कोई इंसान ना किसी बेड़ी में फंसा हुआ है कि नहीं ये बोल दूंगा तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, जैसे ना। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है बैलेंस बनाकर चलिए टॉरस, क्योंकि बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक। ठीक है? कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी ना, और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी ज़ुबान का भी ख्याल रखें। मेक श्योर आप कभी किसी को जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव ना बोल दें इस वीक। ठीक है? इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने वर्ड से किसी को माय गुडनेस, अगेन नथिंगनेस। तो यहाँ पर भी एक और यही गाइडेंस आ रही है, नथिंगनेस। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ जैसे एक पॉज आया हुआ है, स्टॉप आया हुआ है, तो आपके लिए कहा जा रहा है इट्स ओके नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है? नथिंगनेस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग, राइट? तो आपके लिए कहा जा रहा है, और आपके लिए कहा जा रहा है स्टार्ट दिस जर्नी विद अ फ्रेश, न्यू एनर्जी। यू नो, यहाँ पे मुझे कुछ न्यू स्टार्ट दिख रही है आपके लिए, और आपके लिए कहा भी जा रहा है कि एक नई स्टार्ट के साथ आगे बढ़े। आप बहुत ज़्यादा एंथो के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना कंट्रोल बनाकर चलना चाहिए, आपके लिए कहा जा रहा है। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। सी, थिंग्स आर मूविंग फॉर यू बट यू नीड टू बी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल, तो उन्हें सोच कर सोचें। कृष्णा, तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे कृष्णा के डिवोटेड लग रहे हैं। आप कृष्णा को भी चैंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डिवोशन देख रही हूँ मैं आपका किसी के प्रति। यू नो, यू आर वेरी डिवोटेड टू समवन, और कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में आप बहुत डिवोटेड हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली।
सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. कृष्णा सेइंग टू यू दैट यू नो आपका जो डिवोशन है, जो भी आपकी ये भक्ति है किसी के प्रति है, किसी भी चीज़ के प्रति है, वो रिकॉग्नाइज ज़रूर होगी. जो फर्स्ट कार्ड जस्टिस का आया है, यहाँ पे कुछ लोग लीगल मैटर्स में भी हो सकते हैं, तो वो भी आपके फेवर में मुझे दिख रहा है. एंड स्पेशली अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं विच इज़ अ लिब्रा जेमिनी और यू नो इस तरीके से आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए इम्प्रूवमेंट दिख रही है. यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि यू नो समहाउ आप ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता, यू नो आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट भी हो रहा है कहीं ना कहीं टॉरस. तो डाउट ना करें, यू आर लव्ड अनकंडीशनली. ठीक है, सी Imagine all unwanted thoughts dissolving into a light, creating a room for new opportunities and possibilities for your life. तो ये आपके लिए मैसेज आया है माई डियर टॉरस कि बिल्कुल भी अपने आप को खेला ना समझे. अनवांटेड थॉट जो भी आपके मन में चल रहे हैं ना, जो ये बहुत सारे, उनको बाहर का रास्ता कैसे दिखाएंगे आप? आपको मेडिटेशन करनी है, आपको जितना हो सके अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी है. एंड टॉरस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने, और ऐसा ना हो कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं. देन जब आप उसे इग्नोर करते जाएंगे तो वो एक दिन आप ही को बहुत प्रॉब्लम देगा. तो आप मेक श्योर उसे सुने ताकि आप उसको समझ पाए एंड फौरन उसे एग्जीक्यूशन पे लेकर आए. ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इंट्यूशन की सुननी है, उसी को आपको आगे लेके चलना है. ठीक है, और तभी आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज खुलती हुई नज़र आ रही हैं. ठीक है, सो दैट्स इट माय डियर टॉरस. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.